होगा हम कैसे बता सकते हैं यहाँ से भाई। अब दिल्ली बुलाए हैं तो हम बैठक में बैठेंगे, वहीं पता चलेगा कि क्या क्या एजेंडा है, तो अभी नहीं पता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, चुनाव है झारखंड में तो चुनाव का ही एजेंडा होगा, दूसरा तो कोई एजेंडा नहीं होगा। अब ये तो इलेक्शन कमीशन तय करते, इलेक्शन कमीशन कर हमारे जो पार्टी का चुनाव समिति है वो तय करती है, हमारा विषय है नहीं वो। कल कैबिनेट में मैया सम्मान योजना की राशि जो है बढ़ाकर 2500 कर दी गई। अरे कितना जनता को ठगेंगे भाई, अरे उनको 2500 करना तो भाई 3 महीना से जो दिया तो उस समय उनको देना चाहिए था, तो जनता समझ रही है। और उस कैबिनेट के निर्णय का क्या उनके ऊपर कोई से भरोसा करेगा, जब झारखंड की विधानसभा में 2020 के बजट सत्र में हम लोगों ने उनका प्रस्ताव पारित किया है, साथ दिया है, और उसमें से कहा था बेरोजगार युवकों को बीए पास को 5000, एमए पास को 7000, आज तक एक भी नौजवानों को नहीं दिया। तो विधानसभा तो बड़े सदन है भाई, वहां स्वीकृति हुई तब उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके कैबिनेट निर्णय का कौन विश्वास करेगा। आपको अगर देना था तो 3 महीने से दे रहा, उस समय देते 2500 रुपया। हमने जब 2100 रुपया की पार्टी ने बीजेपी ने घोषणा किया तो उनको लगा कि अरे आप तो क्या होगा, पिट गए, कोई भरोसा ही नहीं करते। पहले भी कही कि उन्होंने ठग चुका है लोगों को, झूठ बोल चुका है। प्रवासी आदिवासियों को वापस लाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, कमेटी जाएगी वापस लाने। अरे लावे अच्छी बात है भाई, रोजगार दे तो कौन जाएगा, यहाँ रोजगार के यहाँ अवसर सृजित हो जाएंगे तो सारे लोग आ जाएंगे। हर कोई चाहता है कि अपने आस पास नजदीक में काम करे, लेकिन जब काम नहीं मिलता है तो दूर लोग जाते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की एनवायरनमेंट बना हुए, यहाँ रोजगार के अवसर सृजित हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।